नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी टेबल में। दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर्स की जो हमने सीरीज चला रखी है उसी की अगली वीडियो है, ये भाग चार है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जिस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में ताल मेमोरियल रैपिड शतरंज खिताब जीता है उसका नाम क्या है? तो ये खिताब विश्वनाथन आनंद ने जीता है। अगला सवाल, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में विदुर पेंशन योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की, तो हरियाणा राज्य सरकार ने यह विदुर पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो अगला सवाल, भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम जिन्हें प्राइड ऑफ बर्मिंघम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो उनका नाम है हैरी अटवाल। ये भारतीय मूल के व्यक्ति है जिन्हें प्राइड ऑफ बर्मिंघम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारतीय सेना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारतीय सेना का ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में चौथा स्थान है। ये आर्मी की एक्सरसाइज होती है जिसमें जो शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली होता है उसके हिसाब से हम इन्हें नंबर से लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली है वो अमेरिका की है, यूएस की, उसके बाद रशिया, रूस, फिर चाइना, चीन, और चौथे नंबर पर है भारत की। अगला सवाल, वह देश जो वर्ष 2017 में अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा विदेशी धारक बना है, तो अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा विदेशी धारक भारत ही बना है, याद रखिएगा। अगला सवाल, वह देश जिसने सहमति के साथ सेक्स करने की आयु 15 वर्ष निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया, तो कम से कम सेक्स करने की आयु 15 वर्ष निर्धारित करने का जो निर्णय लिया गया वह फ्रांस द्वारा लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगला सवाल, जिस देश में पहली बार महिला मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो सबसे पहले महिला मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन सऊदी अरब में किया गया, और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, याद रखिएगा रियाद। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जिस देश की ओलंपिक सदस्यता बहाल कर दी है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूस की सदस्यता, ओलंपिक सदस्यता बहाल कर दी है, और रूस की राजधानी मॉस्को। दोस्तों, हम जितनी भी राजधानी है जो भी हमारे देश आते जाएंगे करंट अफेयर्स में या वैसे जो हमने जीके की सीरीज चलाई है उसमें भी, तो हम साथ के साथ आपको उनकी राजधानी बताते रहेंगे, ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। तो अगला सवाल, जिस देश के स्पिनर राशिद खान 19 वर्ष 165 दिन की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास के सबसे युवा कप्तान बन गए, तो जो राशिद खान स्पिनर है ये अफगानिस्तान के स्पिनर है और ये सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। अफगानिस्तान टीम के स्पिनर है राशिद खान और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अगला सवाल, कृष्णा कुमारी जिस देश में सीनेटर होता है राज्यसभा सांसद, चुनी जाने वाली पहली हिंदू महिला बन गई है, तो कृष्णा कुमारी पाकिस्तान में ऐसी पहली हिंदू महिला बन गई है जिन्हें सीनेटर के रूप में चुना गया, याद रखिएगा, सीनेटर के रूप में कृष्णा कुमारी को। ये सवाल उल्टा भी आ सकता है। तो अगला सवाल, किस राज्य की महिला टीम ने राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप 2018 की ट्रॉफी जीती है, तो महाराष्ट्र की महिला टेनिस टीम ने 2018 की टेनिस चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती है और महाराष्ट्र की राजधानी आप सभी को पता होगा मुंबई। अगला सवाल, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है, तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा जीता गया है। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में किस शिकायत निवारण हेल्पलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो राबता नामक पोर्टल, जो एक हेल्पलाइन पोर्टल है जिसमें हमें कोई भी अगर मदद चाहिए होगी तो उसको मदद की जाएगी, उसके लिए एक पोर्टल चलाया गया, तो उसका नाम है राबता। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में चलाया गया। अगला सवाल, इजराइल के सहयोग से पूर्वोत्तर में पहले क्षेत्रीय कृषि केंद्र का उद्घाटन इस राज्य में 7 मार्च को किया गया, तो कौन से राज्य में इजराइल के सहयोग से जो एक
क्षेत्रीय कृषि केंद्र बनाया गया तो उसका उद्घाटन 7 मार्च को हुआ, तो वो मिजोरम राज्य में हुआ। मैं आपको बता दूं मिजोरम की राजधानी ऐजवाल, याद रखिएगा ऐजवाल। अगला सवाल, दिल्ली में यूरो 6 मानक इस तारीख में लागू किए गए, तो यूरो 6 मानक दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 को लागू किया गया। अगला सवाल, ग्लोबल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2018 में भारत की रैंक है, भारत का स्थान है, तो जो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे संसार के हिसाब से भ्रष्टाचार में भारत का 81वां नंबर है। मैं आपको बता दूं जो सबसे कम भ्रष्टाचार देश है, सबसे टॉप पर है न्यूजीलैंड, उसके बाद डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो जो सबसे कम भ्रष्टाचार है वो है न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। और जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट करप्शन कंट्री है, करप्टेड कंट्री, वो है सोमालिया। और इसी बीच 1 से 180 के बीच में भारत का नंबर आता है 81वें स्थान पर। तो दोस्तों अगला सवाल, किस देश के राष्ट्रपति ने स्नैप लेजिस्लेटिव इलेक्शंस की घोषणा की है, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने स्नैप लेजिस्लेटिव इलेक्शंस की घोषणा की है, और वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है कैराकस, याद रखिएगा कैराकस। अगला सवाल, यह लड़ाकू विमान अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी, तो जो पहली भारतीय महिला है जो लड़ाकू विमान को अकेले उड़ा सकती है वो बनी अवनी चतुर्वेदी, याद रखिएगा अवनी चतुर्वेदी। अगला सवाल, इस तमिल एक्टर ने अपनी राजनीतिक पार्टी मक्कम निधि मय्यम लॉन्च की है, तो मक्कम निधि मय्यम कमल हसन की राजनीतिक पार्टी है। अगला सवाल, किस देश की 15 वर्षीय एलिना जागीटोवा ने शीतकालीन रिकॉर्ड बनाया, तो जो एलिना जागीटोवा ने शीतकालीन रिकॉर्ड बनाया वो रूस की थी, याद रखिएगा रूस। अगला सवाल, किस देश की मेरिट बोयरगेन शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी है, तो नॉर्वे की ये खिलाड़ी मेरिट बोयरगेन जिनका नाम है, इन्होंने शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, ये नॉर्वे की है। और नॉर्वे की राजधानी मैं आपको बता दूँ ओस्लो, याद रखिएगा नॉर्वे की ओस्लो। अगला सवाल, किस राज्य में बिजली ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए 925 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया, तो यह पैकेज अरुणाचल प्रदेश में दिया गया कि 925 करोड़ रुपए दिए गए बिजली ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए। अगला सवाल, कौन से देश ने 11 मार्च 2018 को पहले अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, तो भारत ने ये काम किया, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की 11 मार्च 2018 को। यह देश अपनी डिजिटल मुद्रा पेट्रो जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो वेनेजुएला की जो डिजिटल मुद्रा पेट्रो है, तो वेनेजुएला दुनिया का पहला ऐसा देश है जिन्होंने अपनी डिजिटल मुद्रा पेट्रो जारी की। अगला सवाल, भारत ने हाल ही में देश में निर्मित एवं परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम तथा 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल का ओडिशा के एक परीक्षण केंद्र से सफल रात्रि परीक्षण किया, तो इस मिसाइल का नाम है पृथ्वी द्वितीय। तो जो पृथ्वी द्वितीय हमारी मिसाइल है, इसकी जो दूरी है ये 350 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है, इसका ओडिशा के एक परीक्षण केंद्र से सफल परीक्षण हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 25 करंट अफेयर के सवाल, तो अगर आपको ये अच्छे लगे हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारी और भी वीडियोस आती रहेगी। आप ये वीडियो देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।